Hi friends, this is Safraz, and I'm talking about a topic today is about winners have a sense of urgency. आज हमारा जो topic है वो winners की urgency के जो हिसाब से जो हमारे अंदर एक उपलब्धि होनी चाहिए कि हमें कोई भी sense of urgency होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते. There should be a responsibility, there should be a sense of urgency. जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, we have to show some kind of attitude towards achieving. Your life is not, you know, it's like your life does not get better by chance, it gets better by change. So it's very important that हमने आज तक जो ज़िंदगी गुजारी है उसके हिसाब से हम हमारी ज़िंदगी में एक अर्जेंसी जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, एक प्रोडक्ट के हिसाब से, एक लाइफस्टाइल के हिसाब से, एक जो हम करते गए हमारे पास्ट में उसके साथ, अगर आप जीवन में आगे बढ़ के सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो पिछले माइनसेस हैं उसको प्लसेस में आपको ऐड करना पड़ेगा. सो डोंट लेट योर येस्टरडे टेक अप टू यू टू मच ऑफ ए टुडे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू विल हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. एंड द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एवरीबडी. हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जो बिगेस्ट कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो प्रॉब्लम होता है इसलिए कि हम उनको सुनते नहीं हैं, हम उसको रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं. तो वो चीज़ है, वो जो हमारे अंदर जो भावना है वो सारी चीज़ें चेंज करें. क्योंकि क्या होता है ना, आज आप सांस लेना अंदर से सीखें, एक अच्छा खाना जायके से खाएं, क्या होता है ये सारी ज़िंदगी के लुफ्त हैं जो आपको मिलता है ऊपर वाले ने, जो कुदरत ने आपको दिया. जो नींद है, आराम से गहरी नींद लीजिए. वॉट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ, पॉसिबली जो आप कर रहे हो, जितनी भी चीज़ आप जो हंस रहे हो तो ऐसा हंसो कि दुनिया देखे आप हंसें. गुस्से हो तो अपने आप को एक सुकून से, अपने आप को एक गुस्से का एक एंगर लाओ, अंदर जो फ्रस्ट्रेशन उसको बाहर निकालो और तुरंत उसको रिलीज़ करके अपने एंगर पर कंट्रोल. बिकॉज हम सबको एक चीज़ ये समझनी है दुनिया में कि हमें सबको मरना है और हमें दुनिया छोड़ के चले जाना है. और उससे पहले हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो हमें सेट करने हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको अपने आप को ना एक टर्निंग लाइफ में ऐसा करना पड़ेगा कि आपको दुनिया के लिए थोड़ा थोड़े टाइम वक्त के लिए ना एक इनविजिबल बन के आपको अपने लिए विजिबल बनना पड़ेगा. और अपने अपनी चीज़ के अंदर आपको एक बोलते ना एक थोड़े सेक्रीफाइस, थोड़ा वर्क हार्ड, थोड़ा वर्क स्मार्ट, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा एक एम्पायर बिल्डिंग, थोड़ा एक ना मास्टर ऑफ जो आपकी डेस्टिनी जो आप देखते थे, वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर उपलब्ध करनी पड़ेंगी अगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना चाहते हो. क्योंकि आपका काम क्या है ना, एक बहुत बड़ी फाइल है और ये क्या करेगा ना, ये जो है ये आपकी ज़िंदगी में पाइल अप करो या इसके अंदर आप ज़िंदगी को आप इसके अंदर एक पैगाम पहुंचाते रहो, ये आपके ऊपर निर्भर होता है. सो यू आर गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे यू कैन डू दैट इज़ बाय डूइंग ग्रेट वर्क एंड लव व्हाट यू डू एंड यू नो कीप लुकिंग एंड डोंट सेटल फॉर एनीथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू गेट यू एट एनीवेयर लो. आप अपना लक्ष्य और अपना जो इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ऑफ रीचिंग है वो टॉप पे रखें और एकदम हाई लेवल पे पहुंचने की आप पूरी से पूरे जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, यू हैव द पावर ओवर योर माइंड. सो दैट इज़ अप टू यू. सो यू रियलाइज दैट एंड यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड मेक कीप इट मूविंग गाइस. बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग रीचेज द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द पर्पज ऑफ मनी विशेज फॉर वॉट विशिंग इज लाइक अ विशफुल थिंकिंग. But if you're desiring to be a rich person, then you will have to have a definite planning. And you know how you have to do is backing it up with the persistence. And you will have to recognize this failure is going to be. If failure is going to be a part of richness, that is fair enough. Because all people who have made it big in life have seen the first chapter of failure. So guys, moving forward from here, मैं आपके लिए ये जो सब्जेक्ट ऑफ अर्जेंसी है ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमारे पास जो अर्जेंसी हम क्रिएट करते हैं ये तीन तरीके की होती हैं, जो मैंने मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, जो भी चीज़ों से मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग करी है, जो भी मैंने लिटरेचर और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने ये सेल्फ देखा हूँ कि इधर ये दूसरों से क्रिएट होती है और एक अपनी सेल्फ क्रिएटेड होती है. तो सबसे एक कंसेप्ट होती है जो हम इमेजिन करते हैं. तो वट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव, तो बोलते हैं ना दिमाग में प्रिसीव्ड समथिंग विच इज़ रियल, जो आपको लगता है कि आप उसके ऊपर अपने आप को प्लेटफॉर्म करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो.
और डिसीव क्या होती है, वो ट्रिक्ड होती है कि लोग आपको कुछ चीज़ कराते हैं, जैसे आपको कोई यू नो एक लॉलीपॉप देंगे कि आपको ये चीज़, आपको ये एंड पे आपको ये मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या है, आपका सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्जेंसी आप किधर हो। कैसे हम डिसीव कितनी बार होते हैं, जैसे हम दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, हमें अपना इतना वक्त दे रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी और अपने सारा एनर्जी, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारे पर्सनल अफेयर्स छोड़ के हम अपनी सारी चीज़ें हमारी कंपनी को दे रहे हैं और एंड में हमें क्या मिलने वाला है। सो यू कुड बी ट्रिक्ड, सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग के वेदर यू वॉन्ट टू बी डिसीव एंड और यू वॉन्ट टू बी द पर्सन वॉन्ट टू बी प्रसीव आउट ऑफ लाइफ। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें देखो एक सिंपल सब्जेक्ट के हिसाब से समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। अभी कैसे, मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ आपको। एक शॉक पीपल इन द सेंस इज देर आर सम सेमिनार, यू नो सेमिनार स्टोरीज वे पीपल ये ना कहते हैं और काफ़ी नॉलेज के साथ वो लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें एक कहानी के यू नो सिस्टम से लोग समझ पाएँ। तो एक बंदा एक प्रेजेंटेशन के लिए जाता है और वहाँ पे जब एक हॉर्स रेस जो रेस कोर्स जो होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़े फेमस जो सेलिब्रिटी के बड़े हॉर्स यार्ड के अंदर वो बैठे हैं और जहाँ पे प्रेजेंटेशन चलता रहता है, तो रिपोर्टर्स की भी काफ़ी भीड़ रहती है, बड़े टॉप रिचेस और सारे काफ़ी रिच लोग वहाँ पे जमा होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक 62 इयर्स ओल्ड आदमी काउबॉय इतना अच्छी तरह घोड़े पे घोड़सवारी कर रहा है और ये आदमी 62 की उम्र में भी अपने अंदर वो ताम स्टेमिना और वो मतलब एक सर्किट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अंदर अंदर है, अपने अंदर जो उपलब्धि है कि ये उम्र में भी वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग राइडर के साथ यंग लोगों के साथ वो अपने आप को कॉम्पीट करा। तो काफ़ी रिपोर्टर्स को शॉक हो जाता है और एक रिपोर्टर तो एकदम ही अद्भुत हो जाता है कि बॉस ये कैसे हो सकता है। तो दूसरा बंदा कहता है, अरे बॉस ये तो कुछ नहीं, मेरे जो दादा हैं वो तो 81 ईयर्स की उम्र के हैं और वो बेसिकली है ना वो इनसे भी अच्छी घोड़सवारी करते हैं। तो वो बोलता है, बॉस ये तो यार अद्भुत है, ये कैसे हो सकता है, ये तो 62 का है, मैं परेशान हूँ, आप बोल रहे हैं 80 साल के आपके दादा हैं वो इससे भी बेहतर कर सकते हैं, यूँ आप तो कुछ मजाक कर रहे हैं मुझे लगता है। बोलता है नहीं नहीं ये तो सच है। और तीसरा है, बोलता है अरे मेरे ग्रैंड पापा का ऐसा है ना बॉस, वो रिपोर्टर को कहता है मेरे ग्रैंड पापा ऐसा है कि वो 100 साल के हो चुके हैं और वो अपने लिए शादी करने के लिए वो कोई दुल्हन ढूंढ रहे हैं। तो आदमी जो रिपोर्टर होता है वो बोलता है, बस ये क्या है, मुझे आप क्या मेरे खींच रहे हैं या मुझे क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या 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 करना क्या चाह रहे हैं। तो उसने बोला, भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दादा शादी नहीं कर रहे, मेरे दादा शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एक घोड़सवार जो आपने आंखों से देखा, जो 60 साल का था, जो घोड़सवारी कर रहा है और वो आपने अपनी लाइफ देखा है, वो आप बेसिकली रिसीव करते हो। और कंसीव क्या हो जाता है कि आपको बोल रहा है कि मेरे दादा हैं जो 81 की उम्र के हैं और वो इससे अच्छे घोड़े सवार, पर आपने देखा नहीं, पर आपने एक इमेजिन करके वो देख लिया कि हाँ भाई ऐसे घोड़ सवार हैं जो इनके दादा हैं। और तीसरा आपको क्या डिसीव कर रहा है कि भाई मेरा तो दादा 100 साल का है और वो शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। तो वो आपको पता है कि ये हम लोग ट्रिक्ड है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, पर हम लोग फिर भी उसमें ट्रिक्ड हो जाते हैं। तो मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी को बेसिकली समझ नहीं पाते कि हम क्या चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ टेंड टू बी इनपेशेंट, विनर्स हैव एन अर्ज टू डू इट, यू नो। तो हमारे अंदर जो इनपेशेंट और जो हमारे अंदर जो ज्वाला है, जो हमारे अंदर एक जो उपलब्धि है, जो हमारे अंदर एक कर गुजरने की जो क्षमता है, वो हम हमारे अंदर एक विनर क्वालिटी को एक नया पैमाने पे अलग तरीके से हम अपने आप को लेकर जा सकते हैं। सो गाइस, टुडे व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज समथिंग विच यू एंड मी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। इन दिस वर्ल्ड वी आर बेसिकली हैविंग टू इंस्पायर, ट्रेन पीपल, क्रिएट अ सेल्स टीम, एंड वी आर हियर टू हैव एन ओपिनियन वेयर वी कैन बेसिकली टेक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज to the next level by giving them the comfort, lightening, you know, appropriates and the impacting onto their visual displays of life what they want us to do. तो ये सारी चीज़ें हमारी एक लाइफ कोचिंग, एक कम्युनिटी के साथ, जिस तरीके से हम हमारी टीम के साथ बढ़ के हम अपने आप को एक यू नो एक बड़ा कम्युनिटी बना के और उसके अंदर एक लाइफ स्टाइल और जो हम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने लिए एक विनर क्वालिटी हमारे अंदर पैदा करें। क्योंकि दुनिया में क्या है ना, हमारे साथ बहुत सारे जितने भी लोग आज एवरेज लाइफ क्यों जी रहे हैं, क्योंकि दे आर क्विटर्स एंड दे आर पुअर स्टार्टर्स। ज़िंदगी में जो भी इनको लीडरशिप टेक्नोलॉजी और लीडरशिप की जो तालीम और एजुकेशन तो दी गई है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सक्सेस से काफ़ी अलग रहती है। क्योंकि इंसान ये नहीं समझ पाता है कि जो ब्रिलियंट सक्सेस पाना और अकम्पलिशमेंट करने के लिए आपको बेसिकली कुछ प्रेपरेशन करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको कुछ कैपेबिलिटीज़ और कुछ पोजिशन, आपके अंदर जो वैल्यूज़ और थोड़े अंदर आपके जो एजेंडाज हैं उसके अंदर वो पैदा करके आप अपने आप को वो चीज़ पर लेकर जा सकते हैं।
सो बहुत सारे लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं जल्दी उस पर बोल देते हैं बॉस ये मेरे से नहीं होगा, वो अपने एक इजी कंफर्ट के साथ बोलते हैं ना, कंफर्टिंग लाइज जो है ना जिंदगी की, उसकी लाइन काफ़ी लंबी है, और जो अनप्लेजेंट ट्रुथ है ना जिसमें काफ़ी ताकत क्षमता और जिसके अंदर आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, वो जगह काफ़ी खाली रहती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जिंदगी में जो कंफर्ट लाइफ है ना उसमें काफ़ी लोग वही जिंदगी जी रहे हैं और वो एवरेज लाइफ है। पर अगर आपको अनप्लेजेंट ट्रुथ की जो लाइफ चाहिए ना उसके लिए आपको एक अलग इंसान बन के आपको अपने आप में वो क्षमता वो पोटेंशियल वो कैपेबिलिटीज़ पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लूज़र क्वालिटी होता है वो बेसिकली इनपेशेंट और फास्ट रिजल्ट होता है, ये नहीं सोचता कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अपने टाइम के साथ अपने मेहनत के साथ आते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप तुरंत बोल सकते हो कि मैं तुरंत आगे भी रिजल्ट लेकर आना चाहता हूँ। नो, एंक्शियस एंड ईगर देन टू लूज द प्लॉट, यू नो यू कैन बी सो एंक्शियस एंड ईगर दैट आप अपना प्लॉट ही भूल जाओ कि आप एक सिस्टम या आप एक कंपनी में या एक बिजनेस में या आप एक रेस्टोरेंट या आप कुछ भी एक्सपायर अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, आपने क्यों शुरू किया और उसमें मुनाफा तुरंत नहीं देखकर आप उसके अंदर आप कुछ नया इनोवेशन आइडिया नहीं देखकर आप उसके अंदर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ नई चीज़ ऐड नहीं करके आप उसके अंदर गिव अप कर लेते हो, दैट इज़ रॉन्ग। क्विक रिलीफ नहीं मिल सकता है, थोड़े टाइम के लिए पेन सैक्रिफाइसेस, बैंक बैलेंस सैक्रिफाइस, सब कुछ, फैमिली लाइफ, बहुत सारी चीज़ों की आपको सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी जब जाके ज़िंदगी में आप अपने आप को एक टफ आदमी बना सकते हो। क्योंकि दुनिया भी चाहती है, देखो ऊपर वाला भी चाहता है कि जो इंसान को सक्सेस मिलनी है वो अपने आप को उतना ताकतवर बना ले क्योंकि कल जाके उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और जब वो जिम्मेदारी का बोझ उस पर डाला जाएगा तो वो ये सारी चीज़ें संभालने की क्षमता और ताकत रखता है। क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे और वो अलग अलग दिमाग और अलग अलग तरीके के लोग होंगे और वो लोगों के साथ ये किस तरीके से कल जाके अपने ट्रांजैक्शन और किस तरीके से अपने आप को वैल्यू करके किस तरीके से वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है वो एक विनर क्वालिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक क्विटर और एक पुअर स्टार्टर के लिए नहीं होती है, यू नो रैपिड चेंज नहीं होता, यू हैव टू सेट गोल्स विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म गाइज, यू डोंट सेट गोल्स जो एक महीना छः महीना आठ महीना चले। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, डोंट लिव दैट एवरेज लाइफ गाइज। अर्जेंसी ओनली पेज द ब्रेव, सो योर अर्जेंसी शुड बी द प्लेटफॉर्म जो आप सेलेक्ट करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ करना चाहते हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में आज कर रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड आपके एजेंडाज हैं, जो भी एक्स वाई जेड, जैसे मैं अपनी कंपनी जिनेस ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा एजेंडा है सिंपल है कि मेरी अर्जेंसी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स से, मेरे जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज टेक्नोलॉजी जो भी मेरे हिसाब से आज मेरे पास ऊपर वाले ने दे रखी है, उस उपलब्धि से मैं काफ़ी मात्रा से लोगों के साथ कम्युनिकेट करके मैं अपना एक पोटेंशियल टीम बना सकूँ, ये मेरी अर्जेंसी। एंड यू विल बी, यू हैव टू बी ब्रेव, आपको अपने बारे में ये सोचना है कि आप जो भी चीज़ करें कॉन्फिडेंटली करिए और जो भी है आप अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पैदा करें फास्ट एंड फास्टर, दैट यू हैव टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देर यू नो देर इज समथिंग इन लाइफ, यू नो यू हैव टू बी दैट पॉजिटिव, यू नो कोलरेशन आपके अंदर होना चाहिए जो बेसिकली एक विनर के अंदर वो क्वालिटी होती है। यू नो यू हैव टू बी, यू हैव टू लिव फास्ट एंड इन दिस, बिकॉज टुडे द वर्ल्ड इज़ वेरी इंपेशेंट, द फ्यूचर इज़ यू नो Coal, it's correlated to everything, you know, it's not unprecedented rates of speed. Today it is something which, you know, वो लोग कहते हैं ना एक कहावत बोलते हैं that the, you know, you have to be at the right place at the right time and has been changed. Today you have to be in the right place ahead of the time. So earlier they would always say that you have to be in the right place at the right time, but I am telling you guys, you have to be in the right place and ahead of the right time, because what happened, the fast is only going to be the good guys, they will only be successful, the fast food. Today you see so many things, fast food, quick relief, ek pain laga 2 minute mein dard gaya, instant pudding, aapne ghar mein bhook lag rahi meetha khana hai dalo pudding banao jaldi turant, rapid transit turant turant, everything turant, speedy speedy rush orders speedy, aaj swiggy chal raha hai, aaj aap dekho kitne sare online khana banao jaldi jaldi mangao, online pe order karo 60% discount khana ghar, rush rush fleeting, you know everything, overall whatever you see, sir speedy is the subject, har ek cheez jitni aap jaldi jitni aap uplabdhi fast kar sakte ho utna aapki zindagi mein you will get more and more people getting attracted to you. So then today you have to be fast, faster than your competitors, you have to be the quicker in many ways, especially it becomes and being an, you have to provide that kind of sustainability, your availability to your customers, your clients, information, your product, your services, जो भी आप करो, जैसे मैं आज हूँ मेरे प्रोडक्ट्स मुझे पता है क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, हम किस तरीके से लोगों को उसके अंदर इंट्रैक्शन कर सकते हैं। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड, यू शुड नो योर बिजनेस प्लान, यू शुड नो वट एवर यू ट्राइंग टू डू, आर यू डूइंग योर फॉलोअप विद योर क्लाइंट, डू यू अकम्प्लिश योर सेट टारगेट्स, डू यू मेक अ टारगेट्स टू मेनी योर वन, हाउ आर यू डूइंग इट, मेकिंग बेटर सेंस और नो। So being urgent doesn't mean that you become confused, you don't know why, how, what, how things are happening. No guys, it is very important, the sense of responsibility,
and urgency in terms of fulfilling your requirement of current affairs, what you're dealing in. So if your company is launching in a new product, understand the product before launching and use the market well. So when the market comes into the when the product comes into the market, so you'll be the first guy to be taking the major fruits of it. So when you're doing follow-up with your clients later stages, they will say, yeah, you had told us about this, so we want to do this with you guys. So how fast you can apply your researches, matters of everything, in your history of business, is very thing. Sense of urgency helps to use your time the fullest, to extend and chapter where you will be happy with what you are, in your lifetime, whatever you are making it right now, with your limiting issues, you will basically get into the problematic situation. So guys, get yourself out from that common lines of, your previous thinking thought process and accumulate your time and borrow your time for today's investment, what you're doing in your life, guys, because that will help you to get into the fuller, richer life, and you will accomplish and experience much more better results than what you have been doing. So it's a sense of, accelerating to the state of readiness. You should be ready for whatever opportunity is standing in front of you with the horizon, and with the horizon you have to have the encouragement and you have to jump into it and go ahead, and you have to prove that life is never going to be much anything done by the less, and you do it before you get ready to it. Being able to jump into it is something which is, when you have to be feel ready, then only do it. If you're not ready, don't jump into anything in your life, guys. I'm telling you, because you have to train like a legend. Because people who want to be big in life, they always educate, train themselves. Because leadership is a visionary attitude. Before you get into the box of anything, it is important that you remember a few things that before you being into the, there was this race of, they were taking up these flies or the flights in the Atlantic Ocean, and when it was in the year of 1856 something, when was that year exactly, I don't remember, but they had this solo kind of a flight going through the Atlantic Ocean. However, the first person who stood with the plane, he took he took more time, but he had a way where he could reach up in the place, and he was a person who did it first in the history of the Atlantic Ocean. But the person who did it second after him, after a few years or after a certain amount of century or something, he took lesser time. But then this person was not recognized, but the first person who reached first and finished the Atlantic Ocean at the older and with a more time consumption, he was always been recognized, because the first is always going to be recognized and been remembered in the history books also. So this is how it is, guys. Where do you want to be? It is very important, because most of the people are firm of the sense of the readiness, and they all know that winners have to be, having that quality of, feeling that we are resulted and we don't want to miss the opportunity, and the life is, you cannot put the life on hold for something. You have to be strong and be ready for what you're doing in life. You should have the quality of being prepared, and you have to be promptly, immediately, getting into people connections, becoming ready to, because what happens, when you get into that mentality of training yourself like a legend, you should have the readiness. Why? Because the connectivity will give you a green signal. Aapke andar ek green signal aapko diya jayega, aur aapko pata chal jayega ki main ab yahan pe mujhe ye cheez karni hai, aur ab main apni zindagi isme aage badhke main apne आत्मा के साथ अपने पूरे 100% देकर ये चीज़ में अपने आप को कामयाबी देकर मैं अपने आप को टॉप में नंबर वन पोजीशन पे एक कंपनी में लेकर आना चाहता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जब आप अपने माइंड को एक ग्रीन सिग्नल दे दो, और ये अपने माइंड और अपने शरीर और अपने पूरे सेंस को ये एक सिग्नल आप ट्रांसफ़र कर दो अपने पूरे ह्यूमन बॉडी और अपने ब्रेन को कि आप ये चीज़ कर रहे हो, और आप ये चीज़ के अंदर आप अपने आप को हर चीज़ से झोंक लोगे, और आप उसके अंदर आगे बढ़ने की जितनी आपको जो भी सैक्रिफाइस, जो भी आपको चीज़ें हैं, वो रेडीनेस आप अपने अंदर वो इम्पैक्ट के साथ आप आगे बढ़ने को, हर चीज़ को आप मुश्किल का सामना हर तरीके से उसको फेस करके, यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल बिकम द लेजेंड हु यू ऑलवेज वांटेड टू बी, गाइस। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। हम कुछ ना कुछ लोग हैं जो खुश नसीब लोग हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने हमें घर दिया है, जो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी है, ऊपर वाले का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए। काफ़ी लोग तो ये बेसिक बोलते ना, बेसिक चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाते। तो जो लोग अपने ज़िंदगी में
हैं जिनको बड़ी चीज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो ख्वाहिश हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आज अपनी कोई वेल टू डू ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। मैं हर एक आदमी को ये चीज़ के लिए निमंत्रण देना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ ऑफ़र आपको कर रहा हूँ वो काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो करंट सिचुएशन बदलना चाहते हो, यू विल बेसिकली हैव टू बी द पीपल हु कैन टेक द अपॉर्चुनिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपको जितने जल्दी आप इसको ले सके हो और जितना फास्ट आप इसको शुरू कर सको, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज यू कैन कीप वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड गिव यू दैट यू नो बेनिफिट, यू नो ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट तुम आओ इसको करो, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे को ये सब करने के लिए तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, वो तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा माइंड सेट गलत है गाइज। मेन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास लैक ऑफ फंड है, कि ये सब चीज़ के एक फ़ंड की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश है वो उसको प्रिवेंट कर सकें। वो अपने आइडिया के साथ, अपने यू नो कंप्लेन जो रहते हैं ना, वो बहुत लोग करते हैं ना कि अपने कंप्लेंट्स के साथ मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, यू नो अनविलिंग, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। रियलिटी में क्या होता है कि हर चीज़ ज़्यादा पैसा डालने से नहीं होती, कुछ चीज़ जो होती है ना, एक राइट फाउंडर जो होता है, कोई कंपनी जब नई शुरू होती है उसके अंदर जब वो अपनी डिलीवरिंग रिजल्ट्स और ना अपना जो एटीट्यूड बदल के जो अपने आप को ज़िंदगी एक अलग लेवल पे लेकर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, यही लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी देखते हैं। ये नहीं सोचो कि मैं एक MBA नहीं हूँ या मैं अपनी तालीम में उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँ। नो बॉस, एवरी पर्सन, हर एक इंसान जो है ना, स्कूल में हमारे पास फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, पर अगर आप एक लॉ ऑफ एवरेज देखोगे, जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो शरारती होते हैं, जो थोड़े कम मार्क्स वाले होते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा एक लीडर बनते हैं, और जितने भी फर्स्ट वाले बेंचर होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में, मोस्ट ऑफ जो लॉ ऑफ एवरेज देखा गया है, वो हमेशा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में और अपनी ज़िंदगी दूसरों की तरफ अपने ऊपर हैंड ओवर करके चले जाते हैं। तो गाइज, अगर आप ज़िंदगी में तालीम में कम हासिल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ रैंक ऑफ नॉलेज विच यू कैन ऑल्सो गेन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ व्हेन यू गेट इनटू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट। बट गाइज, अगर आप ज़िंदगी में एक कामयाबी की विजन, एक आइडिया, एक पैशन रखते हो, आपको ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, वो सिर्फ आप और आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपने लिए एक फॉर्चून चेंज करना चाहते हो, बट यू हैव टू डिलीवर इट बाय योरसेल्फ, डोंट सी व्हाट यू हैव, यू नो, बिकॉज क्या होता है ना, हम हमारी ज़िंदगी में यू नो वी हम घर चेंज करते हैं, हम अपने कपड़े बदलते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप बदलते हैं, हम हमारे दोस्त बदलते हैं, एंड येट वी स्टे ट्रबल्ड। हमारी ज़िंदगी में फिर भी हमें खुशी नहीं मिल पाती, हम सारी चीज़ें में तब्दीली लेकर आते हैं, बट हम क्या नहीं कर पाते, वी डोंट चेंज आवर सेल्फ, हम अपने आप को नहीं बदल पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ज़िंदगी में अपने आप को नहीं बदल सकता है कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, वो ज़िंदगी में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इट्स सिंपल, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, धूल जो थी वो चेहरे पे थी और वो आईना साफ करते रहे। तो अपनी ज़िंदगी को आप जल्द से जल्द समझें, वरना क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मैं और सेल्फी और अपनी ज़िंदगी में मैं ही ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज, वो फॉल्ट, वो जो है अपने अंदर के जो यू नो जो ड्रॉबैक्स हैं, वो समझना ज़रूरी है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो एक इंसान पैदा करता है एक एडवांटेज लेकर एक वॉक ऑफ लाइफ में, ऑन द कॉन्ट्री, जैसे हमारे जो माँ बाप कहते हैं कि यू नो द पीपल हु जस्ट वेट विल ऑलवेज बी एंड हु हेजिटेट इन लाइफ विल ऑलवेज बी फॉरगॉटन, वो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ कर पाएंगे और वो हमेशा भूल जाएंगे अपनी ज़िंदगी में कि वो उन्होंने ज़िंदगी में आए थे और वो कुछ करके नहीं गए। तो इंपॉर्टेंट लाइफ में अगर आपको कुछ लॉ ऑफ सक्सेस पानी है, तो यू विल हैव टू एक्सटेंड योर टाइम, यू हैव टू एक्सटेंड योर अलॉटमेंट ऑफ सर्विसेज। सो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, बाय गिविंग योर सेल्फ मोर यू नो बेटर टाइम टेबल, यू नो फिनिशिंग द टास्क एट टाइम, एंड यू एक्चुअली शुड बी मेकिंग लेस यू नो वर्क फॉर योर सेल्फ इन द लॉन्ग रन। तो ये सब जो फ्री ऑफ टाइम आप जो अपने आप के लिए एक्यूमुलेट करोगे, जो आज आप अपने लिए वक्त दोगे ना, वो ज़िंदगी में आपको बाद में वो लेवरेज देगा। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मत बनो कि आप गधों की तरह, कोई लोग तकलीफ़ में तो आप उनके मजाक बना के आप लोगों को अपलोड करके बताओ, भाई ये तकलीफ़ में मर गया ऐसे, और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो कितनी तकलीफ़ में बेचारा गया और हम लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसी ज़िंदगी जी के कोई फ़ायदा नहीं, लोग ऐसे लोग बहुत हैं, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ भी लोगों को कामयाब नहीं होने देते हैं, जो डूब रहे हैं वो डूबते रहेंगे, ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया को बताते रहेंगे मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस आर नॉट द थिंग। आप एक ऐसे इंसान मत बनो जो पेड़ फल फ्रूट दे रहा है आपको, आप उसकी जड़ें काट दो, अपने आप को वो बनाओ, वो इंसान बनाओ। यू लुक एट धोनी, टिकट कलेक्टर से आज धोनी का है, CEO ऑफ गल्फ ऑफ इंडिया, सो दैट्स हाउ इट इज़। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, वो उसके ऊपर होता है,
इट इज़ अप टू हिम एंड ओनली ही कैन चेंज. ये देखिए लड़की, ये पहली बंदी थी 29 साल, 29 years old, और इसने फर्स्ट इमेजेस जो ब्लैक होल के थे, ये बंदी ने, बच्ची ने, कैथी जो है इनका नाम, वोमेन, इसके ऊपर आप गूगल करें, शी वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू गेट द ब्लैक होल के इमेजेस. तो आप सोच सकते हो जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जो इंसान नहीं चाहे वो कर नहीं सकता. हर एक इंसान, ऐसा नहीं 60 साल के लोग भी साइंटिस्ट बैठे, अपन एक 29 साल की लड़की ने इतना जो अपना टेक्नोलॉजी और जो तरीके से उसने अपने आप को, है ना, मेंटालिटी के हिसाब से उसने जो उसका फिजिक्स समझ पाई, और फिर जब जाके उसने अपने सिस्टम को समझ के उसने जो ये इमेजेस लेकर आई, एंड शी वॉज गिवन इट टू नासा एंड एवरीवन, शी इज़ द फर्स्ट पर्सन. और ये भी खुद शौक थे कि ये कर पाएँ. तो ये सोचना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे में तालीम कम है, मेरे में एजुकेशन कम है, ये मेरे लिए नहीं बना है, बॉस, ऐसा कुछ नहीं है. आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हो बेझिझक होके जाके करो, बाकी दुनिया आपके लिए और ज़िंदगी आपके लिए वो रास्ता बना देती है. सो देर आर 10 painful truths. द एवरेज ह्यूमन लाइफ इज रिलेटिवली शॉर्ट. You will only ever live the life you create for yourself. आप वही ज़िंदगी जियोगे जो आप अपने लिए ज़िंदगी बनाते हो. सो बिजी होने से कुछ नहीं है, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ. ये बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज देर आर सो मेनी काइंड ऑफ फेलियर्स. जो लोग बिफोर यू वॉन्ट टू सी सक्सेस, आपको समझ लेना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ देखने वाले हो. अगर आप कोई भी चीज़ का एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हो, या नेटवर्किंग हो, या एक स्टार्टअप बिजनेस हो, या आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हो, या एक कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी हो, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फेलियर. और फेलियर को आप जब वो हैंडल कर पाओगे, वो 1-2 साल के अंदर आपके लिए काफ़ी किल्लत आएंगी ज़िंदगी में. अगर वो चीज़ आप झेल सकते हो तो आप वो ज़िंदगी में और वो क्लब में वेलकम हो. तो थिंकिंग ऑफ डूइंग यू नो टू वे वेरी डिफरेंट थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो यू कॉन्ट बी यू नो इन अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम. यू हैव टू बी वेरी फोकस एंड यू हैव टू बी डिफाइंड. यू नो यू हैव टू वेट फॉर एन अपॉलॉजी. यू नो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन्स अपॉलॉजी टू फॉरगिव एंड समथिंग. यू हैव टू कीप मूविंग ऑन विद लाइफ. सम पीपल आर सिंपली द रॉन्ग मैच फॉर यू, सो जस्ट लेट देम गो. इफ दे नॉट गोइंग टू डू समथिंग विद यू एंड दे आर स्टिल कीपिंग यू यू नो ऑक्यूपाइंग योर टाइम, सो आई वुड आइदर से जस्ट कट ऑफ दैट रिलेशनशिप फॉर दैट टाइम बीइंग, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट फॉर इट. जो भी आप सिस्टम में हो, आप अपने स्टार्टअप बिजनेस में हो, आपके जो ट्रेडर्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, या आपके साथ जो दूसरे लोग हैं जो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में है, वो आपके साथ उपलब्धि में आपको आगे वो प्रोत्साहन और वो सारी चीज़ों से नेगेटिव ड्राइव दे रहे हैं और आपको मोटिवेशनल ड्राइव नहीं मिल रही है उनसे, जस्ट इग्नोर देम. यू नो इट्स नॉट दैट द पीपल यू नो द अदर पीपल्स टू लव जॉब टू लव यू, यू नो इट्स नॉट दैट. यू हैव टू जस्ट गेट दैट गोइंग. यू नो वट एवर यू ओन इट्स नॉट हु यू आर. यू नो इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ इट. एवरीथिंग चेंजेस एवरी सेकेंड, सो यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन. सो नोटेड टू योरसेल्फ दैट यू आर नॉट, सो यू डोंट गेन एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेसिंग एंड वरिंग अबाउट थिंग्स यू कॉन्ट चेंज. तो आप वो जिंदगी भूल जाओ कि सिर्फ सोच से और घबराहट से और ये सोचना कि मैं ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो डर से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो. तो वो तकलीफ में आप अपनी ज़िंदगी में वो डर और वो जो घबराहट है वो सिर्फ आपको और अपने आप को कमज़ोर बनाएगी, वो आपको एक मजबूत इंसान नहीं बनाएगी. तो उसके लिए बनने के लिए देखो, ज़िंदगी में पैसा आपको घर दे सकता है, पर जो है ना वो जो है ना बोलते ना मकान मिलेगा, अपन घर जो बनता है वो अपने बीवी बच्चे, अपने जो ज़िंदगी कम्फर्ट, जो सुकून मिलता है वो आप बनाते हो, है ना. वो आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, पर जो नींद आती है वो आप अपनी ज़िंदगी में क्या कमा के, आप ज़िंदगी जो दिन भर की जो थकान और जो मेहनत है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो अपने सपनों पे, जब आप उसके बारे में यानी एक आग बंद करके जो सपना और अपने आप को इमेजिन करते हो कि मैं आप वो एक पैमाने वो एक बुलंदी पर पहुँच रहे हो, तो वो सुकून की नींद आपको एक गहरी नींद मिल जाती है. यू नो आप अपने लिए घड़ी खरीद सकते हो, पर जो वक्त आप अपने सही जगह पर डालोगे वो चीज़ ज़रूरी मानी जाएगी. घड़ी से वक्त देखने में कुछ नहीं होने वाला, तो वक्त सही जगह पर खर्च करने पे ही ज़िंदगी मानी जाएगी कि आप अपने आप के लिए क्या चीज़ पैदा कर रहे हो. तो ये सारी इंपॉर्टेंट, पैसा जो है किताबें तो खरीदेगा, अपन वो जो नॉलेज है ना वो आप अपने अंदर कैसे रिस्टोर करके लोगों कैसे आप आगे यू नो उभारते हो और उनको किस तरीके से वो तालीम को आप आगे यूज़ करते हो और कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर. वो पैसा नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं. तो पैसा तो आपको काफ़ी दोस्त दिला सकता है. पैसा देखकर आपका बैंक बैलेंस और आपकी गाड़ी और मकान और बड़े महल और आपके जो ऐशोराम देखकर काफ़ी लोग आपके साथ अट्रैक्ट होकर बनावटी दोस्ती कर सकते हैं, पर जो मोहब्बत और जो प्यार आप अपने साथ एक टीम और एक है ना एक क्लोज एसोसिएट और जो एक सच्ची है ना एक सच्चाई जो दोस्ती की मिल सकती है, वो पैसा कभी नहीं खा सकता. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पैसा हर चीज़ नहीं होती, जो ज़िंदगी में आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो वो वक्त, वो हर चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट. सो नो वन इज़ परफेक्ट. हमारी ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है इंसान. तो इसलिए पेंसिल के साथ इरेजर है, तो जो भी गलती हैं उसको आप मिटा दो
और वो गलतियाँ वापस रिपीट ना करो और अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की दुआ के साथ आगे बढ़ो. बिकॉज इफ़ यू हैव गॉट योर मदर्स प्रेयर्स एंड इफ़ यू हैव गॉट दैट मीन्स यू हैव गॉट एवरीथिंग. आपको ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल का सामना होगा वो आपकी माँ की दुआ वो ढाल बन के आपको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देगी. तो गाइज हर एक एक्सपर्ट आज ज़िंदगी में जो भी कामयाब है जो भी अपनी ज़िंदगी और वॉक ऑफ लाइफ में उसने ज़िंदगी में किधर ना किधर तो अपनी शुरुआत करी थी. ऐसे तो नहीं हो गया कि बैठे बैठे बन गए ना. एवरी पर्सन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो एवरी you know any person who's been an expert today has been always been a beginner. So today I am a beginner to this company, I am a beginner to a lot of things in my life, but uske liye main kal jaake agar expert banunga to maine apni zindagi yahan pe shuru kari hai. Guys hum sab hamari zindagi ko kidhar na kidhar shuru karna bahut zaruri hai. Ek ability of communication, ek sense of critical towards success, lecturing low after you know there are so many demands of work, you know where you have to justify. Aap apne aap ko uske andar technology ke sath apne aap ko ek alag insaan banao. You know there are यू नो काफ़ी जो लीडरशिप क्वालिटीज एक विनर में जब आती हैं जैसे यू नो आप एक प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करते हो आप उसके अंदर एक एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप वो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हो जो भी आप कम बिजनेस या स्टार्टअप जो भी आप करते हैं तो उसके लिए यू शुड एक्चुअली स्टार्ट बिगनिंग योर जॉब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी लीडर्स होते हैं वो अपना टाइम एस्टिमेट करते हैं कि उनको कितना वक्त लगेगा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के. अगर उनको जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मुझे 12 लोग चाहिए मेरे सिस्टम में जो आगे जाके मेरे लिए एक पावरफुल लेवरेज और हम एक दूसरे के साथ एक टीम बन के हम आगे बढ़ सकेंगे तो मुझे पता है कि मुझे इसके लिए 6 महीना लगा था तो मुझे 6 महीना लगा था और मैं वो कर पाया और मैं वो रैंक को पार कर पाया. तो हर एक इंसान अगर अपने बिजनेस में अगर वो चाहता है कि अपना वो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको अगर वो रिकवर करना चाहता है वो 1 साल 2 साल का एक टाइम एस्टिमेट ले लें कि इस वक्त के अंदर वो सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी. ये हर एक चीज़ एक प्लान के साथ एक प्रोजेक्ट के साथ होना बहुत ज़रूरी है. सो डिस्कस करें वट एवर इट इज़ एक लीडर में यू नो यू हैव टू स्टॉप यू नो समथिंग विच इज़ नॉट डूइंग समथिंग कम जो चीज़ आप कर रहे हो आप जो आगे बढ़ने हैं आगे बढ़ना है यू डोंट स्टॉप डूइंग इट टिल इट डजंट गेट कम्प्लीटेड. सो योर करंट टास्क इज समथिंग विद योर शेड्यूल. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो 3-4 चीज़ एक साथ अगर आपके सामने आ गए हैं तो एक चीज़ एक टाइम पे करें. हर तीनों चीज़ इकट्ठा आप जाओगे करने तो एक भी चीज़ नहीं होगी. तो डील एवरीथिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप दैट फर्स्ट वो रखें और उसको आप डील करें पहले और फिर आप आगे बढ़ें यू नो दैट इज़ हाउ इट हैव टू डू. और फिर आप अपने जो भी नेटवर्क्स हैं जैसे मेरा जो काम है फॉलोअप करना मैं अपने हर एक क्लाइंट के साथ हर हफ्ते फॉलोअप करता हूँ. छोटे छोटे स्टेप जो हम लेते हैं उनसे पूछना कि उनको जो चीज़ें हमने बताई थी जो शेयर करी थी उनको वो चीज़ पसंद आई थी या नहीं पसंद आई थी कुछ लगता है उनको कुछ सुझाव है हमारे लिए कि उसके अंदर कुछ आपको उसके अंदर दिलचस्पी लगती कुछ चीज़ें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसमें प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए ना. यू शुड बी प्रॉम्प्ट अबाउट यू नो डूइंग इट योरसेल्फ क्योंकि वो कहते हैं एक गुड मैनर्स और एक रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि ये अंदर एक बंदा प्रोफेशनल और एक बिजनेस ओरिएंटेड है. तो जो भी चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट करो प्रोफेशनलिज्म के इंडिकेशन ऑफ अर्जेंसी दिखना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल भी है और मुझे लगता है ये बंदे के साथ मैं जुड़ूंगा तो वो अर्जेंसी के साथ मैं वो इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये भी आगे बढ़ेगा और मैं एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर के साथ मैं वो कम्युनिकेशन के साथ जो भी रोड ब्लॉक्स हैं जैसे एक लीडर होता है वो अपनी टीम के जो भी बंदे जो कम्युनिकेशंस करते हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो भी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो हर एक आदमी सबसे पहला जो जॉब देखता है अपनी डाउन अपनी जो वर्क टीम फोर्स के साथ कि वो जो रोड ब्लॉक्स है उसको क्लियर करो. क्योंकि क्या होगा अगर आप अपने जो बंदे हैं जो एक टीम है वो टीम के साथ अगर आप डिस्कशन करते हो और आप देखते हो कि काफ़ी जो रोड ब्लॉक्स जो आज की तारीख में क्लियर नहीं होंगे तो वो लोगों को आगे फ्रस्ट्रेट करेंगे और जब उनको फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या होता है ना वो लोग आंसर के लिए रुकते नहीं तो फिर वो डिसीजन लेने लगते हैं और सारी चीज़ें स्लो होने लगती हैं और फिर क्या होता है कि वो एक बोलते ना एक लाल निशान हो जाता है आपकी ज़िंदगी में. तो आपके जो सुपरविजन है ना फिर उसके अंदर एक्सक्यूजेस होने लगती हैं आपको लगता है कि आप उनको कुछ बताना चाह रहे हो पर वो कम्युनिकेशन वो सही इन दायरे में नहीं पड़े. तो फिर क्या होता है यू हैव टू कीप दैट सुपरविजन ऑफ हैप्पीनेस एंड लेट पीपल गिव यू दैट फीडबैक एंड लेट द बॉल बी इन दैट कोर्ट एंड अंडरस्टैंड and clear the roadblocks. Because क्या होता है ना be humble you won't stay fresh forever. You know there are times you know ज़िंदगी ऐसी है हमारे पास जो ज़िंदगी आज हम बहुत मजबूत हैं हम ताकतवर हैं हमारे पास सेहत है हमारे पास पैसा होगा हमारे पास जो भी एक्सपाइजेड लाइफ है पर ज़िंदगी हमेशा एक तरीके से नहीं होनी. हम कभी ना कभी गलेंगे हम कभी ना कभी सूख जाएंगे हम कभी ना कभी मिट जाएंगे. तो गाइज आज वो वक्त है तो अर्जेंसी में आप वो चीज़ों को एक विनर क्वालिटी के साथ एक बड़े चैलेंजेस के साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ एक लोगों को जो आपके साथ जो जुड़ रहे हैं उनको एक सर्टेन ऑफ यू नो
पावर के साथ उनको वो डिस्कस करके, उनको टुगेदरनेस में लाके, वो कमिटमेंट देकर, और जितनी भी आपकी तकलीफ है उनको एलिमिनेट करके, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी का, प्रोग्रेस का एक बटन दबा दो, और एक फर्म डिसीजन के साथ एक इमीडिएट इम्पैक्ट आप अपने मार्केट में क्रिएट करो. बिकॉज वी नीड टू मीट नाउ विद द पॉइंट एंड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड गेट टुगेदर. दैट्स हाउ इट इज़. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गाइज. मैं सरफराज खान जिनेस ग्लोबल का ऐसा ही एक टीम, ये हमारे US के रॉय साहब हैं, रॉय ट्रेट, ये हमारी टीम है, और भी काफ़ी लोग थे हमारे साथ टीम. तो एक विनर को क्या है ना, ही हैज़ टू बी दैट पर्सन, यू नो, वेयर दैट स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी समथिंग विच विल गेट देम गोइंग ऑन. इन एक अर्जेंसी के साथ बी सेलेक्टिव, exercise yourself on kya cheez aapko chahiye, do with it, do it now, the mentality, prioritize yourself, importance cheezon ko understand karo ki jis cheez pe aapko kaam karna hai us pe kaise aapko bina exhaust ho ke aap uske andar kaise kamyabi pa sakte ho, wo step lekar aap aage badhne ki koshish karo. focus rakho ki aap jo project kar rahe ho usko complete karo, apne goals pe reach karo, jo aapke jo ranks hain, jaise hamari company mein ranks hote hain, ek network marketing companies mein you have to achieve certain goals to show the impression of people who will like to get associated with the person. So that's how it is. So we achieve the, get closer to the goal, start promoting it, people will join your project once you start. And you know your main cause for your procrastination is something jo aap apne aap ko na let down karte. So you have to have the project into that, you know, self, and you can approach that one time system of, you know, going strong with people, you know. So you get your job started, begin by doing something where results will start showing you with slowly बट श्योरली एफर्ट्स आप डालोगे आपको कामयाबी दिखेगा. तो एक ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, जो बेबी स्टेप्स लेना शुरू करो, क्लियर ऑफ करो जो आपके जो यू नो, कैसे जिंदगी में अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो फाइल को खोलो मत पहले, जो यू नो बहुत सारी फाइल्स आपके डेस्क पर होती है, फाइल के जो ऊपरी जितने फाइल्स हैं ना, पहले उन अंदर खोलने से पहले आप ऊपर की धूल निकालो, और फिर जो फाइल है उसको समझो बराबर से, कौन सी फाइल की आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी वो फाइल फिर खोलो, और फिर वो फाइल की किताब अंदर से खोल के उसके अंदर आप काम करना शुरू करो. डायरेक्टली फाइल खोल के सीधा शुरू हो जाओ ऐसा नहीं होता. स्टार्ट सिंपल एंड ईजी, डू समथिंग विच मेक सेंस, यू नो. सक्सेस विल कम लिटिल बाय लिटिल, बट विल इनकरेज यू टू परस्यू एंड विल बी विजिबल एंड यू विल सी दैट ऑब्वियस रीजंस व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग इन योर लाइफ. जिसे मैं आज ये ज़िंदगी में मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एनर्जी है मेरे अंदर जो मैं अपने पर्सनल पीक ऑफ टाइम्स में यूज़ कर रहा हूँ. तो मैं सुबह उठ के मेरा बेस्ट टाइम प्लान करता हूँ कि किस तरीके से मैं आज अपनी टीम के साथ वो एनर्जी के साथ रीच कर सकता हूँ एक हाई पॉइंट पे. तो मैं अपने आप को कमिट करता हूँ, मैं वो हर एक चीज़ ढूंढता हूँ जो मुझे एक इंसान और एक आसान तरीका बना सके जो मेरी लाइफ में वो एनर्जी को हमेशा बैलेंस रख सके. तो वी हैव टू गेट ऑर्गेनाइज. हर दिन हमारे लिए एक यू नो वर्क के लिए एक नई शुरुआत होती है, एक नई ज़िंदगी ऊपर वाला हमें देता है. तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें जो वक्त दिया गया है उसके ऊपर हम बिना वक्त ज़ाया करके क्रिएटिव मास्टरमाइंड और अपने आप को एक नीटनेस के साथ, एक अलग क्लैरिटी के साथ, एक यू नो एक यू नो फीलिंग के साथ अपने आप को कोई भी चीज़ में यू नो इमीजिएटली यू नो एकदम वैसा ना कूदे. कोई भी चीज़ में आप एक जंप कर रहे हो तो टैकल विद दैट, वो टैकलिंग पावर के साथ आप वो चीज़ में जाओ. बिकॉज क्या होता है ना, दैट विल गेट यू बेटर एंड विल गेट यू मोर यू नो इनोवेटिव, और आपके जो प्रोफेशनल जो सिस्टम्स है ना वो अपने आप में एक सफाई लाएगा अंदर. तो इट इज़ लाइक यू नो क्लीनिंग अप योर सेल्फ, यू नो. आप अपने आप को देखो, आप इंसान अगर टॉयलेट की सीट गंदी है तो बैठेगा नहीं ना. आप कोई भी इंसान है वो टॉयलेट अगर गंदा सीट होगी तो वो नहीं बैठेगा, ही जस्ट गेट ऑफ. सेम थिंग हमारे आपको, हमें अपने आप की जो अंदर की जो गंद है ना उसको साफ करना पड़ेगा कोई भी चीज़ अपने आप में आगे बढ़ने के लिए. तो जब आप वहाँ पे नहीं बैठ पाओगे तो आप अपने अंदर कैसे बिठा देते हो गंदगी. तो वो सारी गंदगी को आप बाहर निकालो और रियलाइज़ करो कि आपके पास जो ये लैक ऑफ अर्जेंसी जो आप कर रहे हो ना, वो आपको एक शेयर लेजीनेस में डाल देगा. और आप अपने जो यू नो फैक्ट ऑफ यू नो बोलते हैं ना, वो ज़िंदगी में आपका जो लक्ष्य और आपको अपनी जो उपलब्धि है वो बोलते हैं ना, वो इसके लिए नहीं बनी है जो आदमी लेजी होते हैं उसके लिए वो नहीं बनी है. इट इज़ वन विद पीपल हु आर द विनर्स, जो अपने आपके जो अंदर की जो सुस्तपन है ना उसको भगाता है और वो अपने आप को अंदर वो यू नो पावर्स जनरेट करता है वो अपने थ्रू द राइट फूड, द राइट एक्सरसाइज, मेडिकेशन, अपनी पूरा जो नींद है, जो कमज़ोर नींद है उसको यू नो एक अच्छे पैटर्न ऑफ यू नो हर जो चीज़ जो पुअर क्वालिटी की है, जो गंद है वो साफ करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि जब तक ये गंद आपके शरीर में से नहीं जाएगा आप एक माइंड स्ट्रॉन्ग
कैरेक्टर ऑफ अर्जेंसी अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते और दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज, वो जो हमारे अंदर जो लेजीनेस है, ये जो क्विट की जो हमारी जो अंदर है वो है ना, हर चीज़ को क्विट करना और बिना यू नो कोई टास्क कर रहे हैं और उसको टैकल करने की जो क्षमता नहीं होती, और यू नो अब हम कोई काम लेते हैं उसको मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं कर पाते और इंटरेस्ट कम करके हमारे कोवर्कर्स हमें छोड़ के चले जाते हैं और हम फिर उसमें डिस्करेज होकर कोई प्रोग्रेस नहीं करके हम अपने आप के अंदर एक ज़ीरो फ्रेंड बना लेते हैं। तो गाइज, मूव फॉरवर्ड एंड बी द स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस एंड अंडरस्टैंड करो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंटरप्शन है वो आप एक अर्जेंसी के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, जिसके साथ भी आप एक टाइम स्पेंड और जैसे हमारा काम नेटवर्किंग है, मैं अपने दोस्त, भाई, बंधु, जितने भी लोग हैं हर एक इंसान के साथ वो मैसेज शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक अपॉर्चुनिटिस्ट हूँ और मेरे साथ और भी लोग हो गए जो अपने आप को बताएंगे नहीं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, पर वो किधर ना किधर अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं जो कल जाके उनके सपने साकार करने के एक बोलते ना एक वो बन सके, एक रास्ता बन सके। तो वो चीज़ हम सब एक दूसरे के लिए एक ढाल बन के आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं, पर उसके लिए हम सबको यू नो वी हैव टू स्टैंड फॉर अर सेल्फ, यू नो एक थेरेपेटिक बोलते ना, एक यू नो यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक बोलते ना ऑर्गेनाइज करके अपने आप को रिमेंबर करो कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ही कर रहे हो। जैसे क्या होता है ना, हम जब छोटे होते हैं अगर हमें बताया जाता है कि कोई चीज़ आप करो एक प्रोजेक्ट के ऊपर, आप सीधा यू नो बच्चे को ये नहीं कह देते कि आप बहुत सीधा तो मुझे अभी आप बेसिक्स पे जाओगे, ABCD पे जाओगे, फिर पोइम्स में जाओगे, आप सीधा उसको थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड की ना डेंटल क्लिनिक की या डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं शुरू करते। हर एक इंसान जो चीज़ समझ सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उस इंसान को इनविटेशन आप देते हो और जो अर्जेंसी क्रिएट करते हो उसके लेवल के हिसाब से आप वो क्रिएट करो। जो इंसान अपना लेवल बढ़ाता रहेगा वो उसको समझ के अपने आप में वो कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटरप्रेन्योर बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। सो हर एक इंसान है और वो आपके पास, हर एक आदमी, कोई आदमी ज़ीरो नहीं होते, कोई आदमी ताकतवर या माइनस नहीं होता, हर एक आदमी जो आपको लगता है वो आपके लिए माइनस में होगा वो कब प्लस हो जाएगा आप नहीं समझ सकते, बट यू हैव टू बी एंड शो दैट अर्जेंसी ऑफ योर टुगेदरनेस एंड यू हैव टू बी दैट यू नो यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर टुमारो। तो अगर आपको आपके कल के लिए लड़ना है तो आपको आज आपका मजबूत करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड टू सेंस द अर्जेंसी कि आपको ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ये आपको शार्पर करेंगे, आपका एक जिंदगी का कैटलॉग बनाओ कि आप अपने आप की जो जिंदगी की जो लाइफ क्लॉक है आप उसके अंदर कितना वक्त किधर गुजार रहे हो और वो वक्त उधर देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो गिफ्ट आपको ऊपर वाले ने दिया है वो आपको दिया गया है और वो आपके अंदर है, आप उसके अंदर वो गिफ्ट ऑफ जो टाइम है वो आप अपनी घड़ी को किस तरीके से अपने लिए बेस्ट कर सकते हो, वो वक्त आप अपने लिए कितना अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप पे निर्भर होते हैं। तो दिस इज़ इट, यू हैव टू हैव दैट टाइम जो आपको अपनी ज़िंदगी में किसको कितना वक्त है हमें किसे नहीं पता है, तो जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए अपनी ज़िंदगी में इट इज़ ओनली योर कॉल, आप उसके लिए कौन सा डिसीजन ले रहे हो। तो इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर टाइम, सो यू हैव टू बी प्रसिस्टेंस कि आपके पास जो वक्त दिया गया ऊपर वाले ने जो दिया है वो आप राइटली यूज़ करें। तो मैं सरफराज खान, जो ये कॉन्सेप्ट था मेरा अर्जेंसी और अर्जेंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप जो चीज़ करना चाहते हो उसके ऊपर आप एक मेथड, एक राइट अप्रोच, एक राइट मोटिव और एक राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी में यू विल अंडरस्टैंड द राइट सब्जेक्ट ऑफ इट। बिकॉज क्या होता है ना, हमारी जो लाइफ, जैसे मैं एक नेटवर्कर हूँ तो द लाइफ ऑफ अ नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या होता है, यू हैव टू वेक अप यू नो ऑलवेज रेडी एंड यू टू मेक इट हैपन, कि आपको हमेशा एक रोज जब आप उठते हो एक ना एक रेडी मोटिव के साथ उठना है, यू नो आप एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ उठते हो, आप एक वीडियो देखकर उठते हो, तो वो बेसिकली जो पूरा दिन का जो दिन है आपका वो मोटिव हाई रखता है, आपके जो आप एक अच्छी चीज़ एक एक्शन लेकर एक यू नो कंसिस्टेंसी के साथ जो आप रोज कर रहे हो, दो जन तीन जन को मिल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा था। तो जब आप लोगों को यू नो बात करते हो एक अच्छा वार्म रिगार्ड्स के साथ, आप अपने अपलाइन के साथ इन्फॉर्मेशन लेकर आप आगे लोगों को कम्युनिकेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें रेगुलराइज करके आप अपने आप के अंदर एक चीज़ पैदा करते हो, क्योंकि कल जाके आपके अपलाइन ये भी बोल सकते हैं भाई जाओ रस्ते पे जितने भी लोग चल रहे हैं उनको जाके आप बोलो कि आप ये चीज़ कर रहे हो और आप उनके साथ यू नो
जुड़ जाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको लगेंगे यार ये चीज़ तो मैं डरावनी है कि मैं किसी को रास्ते पे जाके लोगों को मिलूं और उसको बोलूं भाई मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, आप वो चीज़ कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। तो ये कभी कभी आपको अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड कर सकता है। जो आपको सही लगता है वो आप अपना निर्णय के हिसाब से आप करो। आपको फेसबुक सही लगता है तो फेसबुक से आप अपना सिस्टम शुरू करो। तो यू स्टार्ट पोस्टिंग यू नो योर सेल्फीज, योर ओन बॉस, एक एंटरप्रेन्योरशिप का हैशटैग मारो, ज्वाइन मी का हैशटैग मारो, हर एक चीज़ के साथ आप जुड़ते रहो। जैसे आप देखोगे फेसबुक पे कुत्ते का फोटो पे ज़्यादा लाइक आते हैं आपको, उसके अंदर डेढ़ डेढ़ 1 मिलियन तो 2 मिलियन लाइक्स आ सकते हैं। पर जब आप बोलोगे आप कुछ चीज़ कर रहे हो और आपके साथ आप एक पावरफुल कॉन्सेप्ट और आप उनके साथ लोगों को जोड़ना चाहते हो, वहाँ पे आप देखेंगे आपको सिर्फ 3 या 4 लाइक आएंगे। और आप काफ़ी टाइम पे देखेंगे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, जिधर भी आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा करके ब्लॉक कर देंगे और आपको ज़्यादा करके इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो यू हैव टू गेट रेडी दैट यू गोइंग टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम व्हेन यू गोइंग टू अ सोशल platform, because you'll have to forget your social esteem for some time, because these things are a barriers, because they think that you're spamming them, you're wasting their time, but they don't understand what you're trying to communicate, because जो चीज़ आप समझ रहे हो वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वो टाइम पर वो समझ पाए। तो आप जो भी चीज़ करो उसके लिए डोंट हैव योर ओन ड्रॉबैक्स। जो भी आपका अर्जेंसी है, आपको जहाँ पे कम्युनिकेशंस करने हैं, देर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग में किधर ना किधर माइनस और प्लस होंगे, वो वक्त के साथ वो सुधरते जाएंगे और जब आप एक्शन लोगे तो कंसिस्टेंसी वो पैदा होती रहेगी। तो योर एवरीवन, टॉक टू एवरीवन, आप अपना ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन के साथ बढ़ाते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वक्त के साथ हर चीज़ जब भी आप करोगे वो चीज़ बाद में अच्छी लगने लगेगी और आप अपने आप में एक उपलब्धि करके लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज़। सो बी दैट कूल पर्सन। यू नो बहुत टाइम ऐसा होगा जब आप अपना खुद का बैंक बैलेंस देखकर डर जाओगे, बिकॉज जब भी आप सक्सेस के जो पैरामीटर्स पे काम करते यू विल सी अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, सो योर बैंक बैलेंस विल ऑलवेज स्केयर यू, बट स्टे वेयर यू आर देयर, बिकॉज फाइनली वॉट यू स्टार्ट सीइंग इन द फ्यूचर इट विल बी समथिंग विच बी अमेजिंग फॉर योर सेल्फ। सो गेट रेडी एंड थ्रो अवे दोज टॉवल्स ऑफ फियर्स and find yourself in the right place. Come and be a part of Jeunesse. And I am Sarfaraz Khan, as a founder member of Jeunesse India, jo meri team aur main ek potential leader ke hisab se ek potential team aur jo log ye sense of urgency ko, message ko jo main communicate kar raha hu wo samajh sakte hain, to wo jo ye cheez rakhte hain apne andar aur wo ye sapna dekhte hain ki wo kidhar pahunchne ki wo kshamta aur taakat rakhte hain, wo mere संपर्क में आए, मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर है 9819433232, और गेट इन टच विथ मी, और हम एक दूसरे के लिए काफ़ी उपलब्धि पैदा करके हम अपने लिए कामयाबी की एक बड़ी मिसाल पैदा कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द रिच एंड द रिचेस्ट, ओनली द रिचेस्ट कम टू द पीपल हु डेयर टू टेक देम सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल गाइस। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। नमस्ते इंडिया, बाय बाय।